हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलईडी स्ट्रिप लाइट को आप घर पर डायरेक्ट एसी से कैसे जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है चार डायोड और इस चार डायोड से हम बनाएंगे एक 12 वोल्ट एडेप्टर, ठीक है। इस डायोड का नंबर है IN5399। तो सबसे पहले डायोड का, दो डायोड का प्लस प्लस को कुछ इस तरह से आपस में आपको जोड़ना है। देखें फ्रेंड्स, सिल्वर पट्टी साइड में आपको दो डायोड को कुछ इस तरह से जोड़ना है सबसे पहले, उसके बाद फिर दो डायोड को ब्लैक साइड में जोड़ना है, यानी कि नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो इस तरह से चार डायोड की सहायता से सबसे पहले आपको बनाना है एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1N5399 चार डायोड लेना है और बनाना है इस टाइप से एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद अब आइए चलते हैं, इसका जो एक्स्ट्रा सिरा है इसको हम कटर की सहायता से काट देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको हम एक्स्ट्रा पिन को काट देते हैं। इस तरह से आपको काटना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस डायोड में एक साइड में प्लस प्लस जुड़ा हुआ है, एक साइड में माइनस माइनस, यानी कि सिल्वर पट्टी जिधर है उधर डायोड का पॉजिटिव पॉइंट और जिधर ब्लैक है उधर नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फिर लेना है आपको 220 mAh 25 वोल्ट का कैपेसिटर। देखें फ्रेंड्स, 220 mAh 25 वोल्ट का कैपेसिटर को आपको डायोड का प्लस माइनस में, कैपेसिटर का प्लस माइनस को कुछ इस प्रकार जोड़ना है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये एसी को फिल्टर करेगा, यानी कि ये फिल्ट्रेशन के लिए इस कैपेसिटर को यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आपको ब्रिज रेक्टिफायर में एक कैपेसिटर 220 mAh 25 वोल्ट का लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर लेना है एक जीनर डायोड 12 वोल्ट का। और जीनर डायोड में भी जब आप कवर से देखेंगे तो एक साइड में ब्लैक पट्टी दिखाई पड़ेगा, उधर डायोड का पॉजिटिव सिरा होता है और दूसरा साइड नेगेटिव। तो डायोड को भी नेगेटिव और पॉजिटिव कैपेसिटर के प्लस और माइनस में आपको जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, आइए इस डायोड को भी हम इसमें जोड़ देते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरह से जीनर डायोड को भी कैपेसिटर का प्लस माइनस में जोड़ना है आपको देख करके। बस आपको ख्याल रखना है कि जीनर का प्लस माइनस उल्टा ना लगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आइए इसमें एक फ्यूजेबल रेजिस्टर हम इसमें लगाते हैं इस सर्किट में। तो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लेना है आपको 1 ohms का और कुछ इस तरह से आपको सोल्ड कर देना है। तो इस फ्यूजेबल रेजिस्टर को कहाँ पे सोल्ड करना है, डायोड का दो पॉइंट जो आपका प्लस माइनस जुड़ा हुआ है वहाँ पे एक साइड आप कुछ इस तरह से रेजिस्टर को लगाएंगे, ठीक है। तो देखें फ्रेंड्स, ये मेरा फ्यूज के लिए काम करेगा। अब लेना है आपको 225 से 450 वोल्ट का PF और इस PF का एक लेग डायोड का दूसरा जो सिरा मेरा खाली है वहाँ पर हमको जोड़ना है कुछ तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ना है। तब आइए इसको भी हम सोल्ड कर देते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कंपोनेंट्स को आपस में आपको जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपका एक 1 ampere का 12 वोल्ट DC पावर सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो देखें फ्रेंड्स, मेरा 12 वोल्ट का DC पावर सप्लाई बन चुका है, जो कि बहुत ही कम खर्च पर इस तरह से आप घर पर बना सकते हैं। अब आइए इसका प्लस माइनस में स्ट्रिप LED लाइट का प्लस माइनस वायर को जोड़ते हैं और आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए प्लस माइनस स्ट्रिप LED लाइट का सर्किट का प्लस माइनस से हम जोड़ते हैं। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आपको LED लाइट का प्लस माइनस को जोड़ना है, ठीक है। अब इस सर्किट में AC सप्लाई हम देंगे। तो AC सप्लाई कहाँ देंगे, फिजिबल रेजिस्टेंस का एक सिरा जो खाली है वहाँ पे जोड़ेंगे और दूसरा PF का एक सिरे में जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि इस दोनों पॉइंट में हम AC सप्लाई कुछ इस तरह से
जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद हम जैसे ही इसमें एसी सप्लाई देंगे, मेरा एलईडी स्ट्रिप लाइट जो है वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए इसमें हम सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखे फ्रेंड्स, सप्लाई देने पर इतना शानदार ब्राइटनेस के साथ मेरा एलईडी लाइट जो है ग्लो कर रहा है। तो इस टाइप से घर पर आसानी से कम खर्च पे 15 से 20 रुपये में आसानी से 12 वोल्ट एडेप्टर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।